दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर से कोई फ़ोटो, कोई वीडियो या कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो यार जान निकल जाती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके कंप्यूटर से या लैपटॉप से कोई भी फ़ोटो, कोई भी वीडियो या कोई भी फाइल डिलीट हो जाती है तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, ताकि मैं आगे आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविशंकर पाठक और आप देख रहे हैं माय प्राइमरी सॉल्यूशन। तो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, उस पर क्लिक करके आपको आ जाना है वंडर शेयर के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ से आपको वंडर शेयर का रिकवरी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। अगर आप मैक के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके मैक के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप विंडो के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप विंडो के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक फ़ोटो डिलीट करके दिखाऊँगा, इसके बाद में आपको उसी फोटो को रिकवर करके दिखाऊंगा। तो यहां पर चलते हैं दिस पीसी में, और यहां से किसी एक ड्राइव में चलते हैं और यहां पर किसी फोटो को डिलीट करते हैं, वो भी शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे ताकि फोटो परमानेंट डिलीट हो जाए। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल, इसको कर देते हैं एस, और ये फोटो हमारे कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो चुकी है, यानी कि ये फोटो रिसाइकिल बिन में भी नहीं गई है। तो चलिए इस फोटो को रिकवर करते हैं। रिकवर कैसे करना है, तो इसके लिए आपको वंडर शेयर का रिकवरी सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा। यहां पर करते हैं एस, और कुछ इस तरह से ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है। ओपन होने के बाद मैं आपको रिकवर करके दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है डिलीट फाइल रिकवरी, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको उस ड्राइव को सेलेक्ट करना होगा जिस ड्राइव से आपका फोटो डिलीट हुआ है। तो मेरा हुआ था न्यू वॉल्यूम से, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ से आप 100 MB तक डाटा बिल्कुल फ्री में रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये देखिए मेरा फोटो था जिसका नाम था टेस्टिंग, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिकवर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यू कैन रिकवर 100 MB फाइल फॉर द फ्री वर्जन, यानी कि आप यहाँ पर फ्री में 100 MB तक डाटा रिकवर कर सकते हैं। अगर आपका फोटो, वीडियो या कोई फाइल 100 MB तक डिलीट होता है तो आप उसको फ्री में रिकवर कर सकते हैं। अगर आपका फोटो, वीडियो या कोई फाइल 100 MB से ज़्यादा है तो आपको इस सॉफ्टवेयर को बाय करना होगा। तो यहाँ बाय नाउ पर क्लिक करके इसको खरीद लीजिएगा। अगर आपको इसका अल्टीमेट वर्जन चाहिए तो यहाँ बाय नाउ पर क्लिक करके आप इसको खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे अभी 100 MB तक फ्री में रिकवर करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इवेलुएट, इस पर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं पाथ दूंगा कि मुझे कहाँ पर रिकवर करना है। तो मुझे रिकवर करना है न्यू वॉल्यूम में, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ सेव, और ये हमारा हो गया रिकवर। ये देखिए ये मेरा फोटो है, ये देखिए मैंने इसी फोटो को डिलीट किया था परमानेंटली, अपने कंप्यूटर से हमेशा के लिए डिलीट किया था, और वही फोटो मेरा रिकवर होकर आ चुका है और बिल्कुल ओरिजिनल फोटो है। देखिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और मैंने पूछा था आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।